हजारों स्कूल, 5,000 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनमें 2,000 के करीब परमिशन और अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल है चल रहे हैं। वो अस्थायी मान्यता प्राप्त क्यों चल रहे हैं? क्योंकि राइट टू एजुकेशन आने के बाद या राइट टू एजुकेशन से पहले कुछ नॉर्म सरकार ने तय किए थे। 2003 की एक नियमावली बनी थी जिसमें बहुत सख्त नियम बना दिए गए थे, जिसका हमने ऐतराज किया। उस समय एकड़ों में जमीन के नियम बनाए गए और ऑलरेडी जो स्कूल चल रहे थे, चाहे वो सरकारी थे चाहे वो उस समय सहायता प्राप्त भी एक श्रेणी हुआ करती थी हरियाणा में, जो अब सरकार ने उसको खत्म कर दिया और उनके टीचर्स को जो है अपने सरकारी स्कूलों में ले लिया। ऐसे 212 के करीब स्कूल सहायता प्राप्त भी हरियाणा में हुआ करते थे। तो जो उससे पहले चल रहे थे वो एकड़ों के नियम को पूरा किसी प्रकार भी कर नहीं सकते थे, क्योंकि जगह को कहीं भी एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। उसके सरकारी स्कूल भी थे, सहायता प्राप्त भी थे, गैर मान्यता भी थे और मान्यता प्राप्त स्कूल भी थे। के दौरान ये भी रेशो बढ़कर, ये सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की जो नंबर वन थिंक टैंक है इंडिया का, ये उसकी पब्लिश्ड रिपोर्ट है कि 56 से 87% तक ये आंकड़ा चला गया। तो हमारी आर्थिक स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई, और ऐसे में सरकार को हमें राहत देनी चाहिए थी। कुछ जगह पे सरकार ने राहत दी, जैसे माननीय विश साहब का हमेशा जिक्रम करते हैं कि उन्होंने एक साल का प्रॉपर्टी टैक्स स्कूलों के लिए 25 करोड़ के करीब, 24 करोड़ कुछ था जो 25 करोड़ के लगभग है, वो उन्होंने माफ किया। तो हमने उनका बहुत दिल से धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारी स्थितियों को जाना। उन्होंने फायर के सर्टिफिकेट को 1 साल के 3 साल की अवधि का किया, हमने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने अभी हाइजेनिक के सर्टिफिकेट को भी 1 साल से 3 साल करने का हमें आश्वासन दिया, हमें उम्मीद है वो भी हो जाएगा, तो हमने धन्यवाद किया। हमें और जगह पर भी बहुत राहत की जो है सरकार से आशाएं थी कि सरकार हमें राहत देगी, लेकिन सरकार का थोड़ा सा कहां पर ये गलती सरकार से हो रही है, या हम सरकार पे बात हमारी पहुंच नहीं पा रही है, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस बात को समझ नहीं पा रहे। जबकि मेरी उससे एक बार प्री बजट वार्ता में मैंने उनको ये बात बताई थी कि आप जो स्कूलों के ऊपर ये बंदिशें डाल रहे हैं, शर्तें डाल रहे हैं, इनका बैठकर कोई समाधान करना चाहिए, और हमारे पास वो समाधान है। समाधान स्थितियों के और परिस्थितियों के अनुसार होता है, हर परिस्थिति में एक तरह का समाधान नहीं चलता है।